अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी तोरई की मिक्स सब्जी, जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। एक बार आप भी बना कर देखिएगा आपके घर में और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कैसे बनती है भिंडी तुरई की सब्जी, तो चलिए बताना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुरई और भिंडी, और इनकी मात्रा जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने 500 ग्राम लिए हैं और इस तरह से तुरई को छीलकर कट लगा लिया है, इस तरह से छोटे छोटे पीस काट कर, और भिंडी भी मैंने बीच से कट कर दी हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और इसके लिए मैंने लिया है 3 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं और हाफ प्याज को कट कर लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, मैं सरसों में बना रही हूँ। तो अभी मैंने तेल इसमें इतना डाला है, और इसमें डाल दिया है जीरा, काली मिर्च, लौंग, और इसमें हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्राई करने पर भिंडी। अब भिंडी को डालकर हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे इस तरह से। बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, एक बार आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने अभी निकाल लिया है, फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ही तेल डाल दिया है, और मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया था, धुआंदार। आप गर्म कर लीजिएगा तेल, फिर आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा सरसों का तेल। प्याज को फ्राई करके थोड़ा सा, अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है आधी चम्मच, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने तुरई डाल दी है, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इस तरह से चलाते हुए अब इसमें डाल देंगे मसाले, स्पाइसी सारे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आधी चम्मच। मैंने धनिया पाउडर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे 1 मिनट तक। अब इसमें पानी डाल देंगे आधा कप का आधा करीब, देखिए इतना डाला है मैंने, ताकि ये लगे नहीं, अच्छे से मसाला भून जाए। अब इसे ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि तुरई भी इसका पानी छोड़ देंगी और अच्छे से मसाला भून जाएगा। तो देखिए इसने भी, तुरई ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया, देख कितना है, और हमने पानी थोड़ा सा डाला था जलने की वजह से, और ये अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है फ्रेंड्स। देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है इसने, आप चाहें तो इसे और भी खोचा कर सकते हैं। मैंने इसमें भिंडी को डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मैं पतला रखने वाली हूँ। आप खोचा रखना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो मुझे ये पतला रखना है, शोरबेदार बनानी है। तो आप देख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैंने इसे कवर करके 2 मिनट तक पका लिया है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी, गैस मैंने बंद कर दिया था, तो 5 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारी भिंडी जो है अच्छे से गल गई है, और मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी पराठे के साथ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं, तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो मेरे घर में तो सभी को पसंद आए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।